हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। Represent this situation algebraically and geometrically. So, the cost of 2 kilogram of apples, 2 kilogram सेब का रुपया and 1 kilogram of grapes का on a day किसी एक दिन was found to be ₹160। पाया गया था कितना? ₹160। यानी किसी एक दिन में या कोई एक दिन में 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स का टोटल प्राइस कितना होगा? 160 था। नाउ आफ्टर अ मंथ, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। ऊपर वाला पहला पार्ट हो गया, अब ये दूसरा पार्ट हो गया। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 4 किलोग्राम सेब के एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 2 किलोग्राम अंगूर के टोटल कितने रुपीज हो गए? ₹300 हो गए। अब ये तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली बोले तो मैथ्स के एक्सप्रेशंस में एंड ज्योमेट्रिकली बोले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसका फटाफट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सो हमने जैसे देखा कि कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स का ₹160 बोला है, यानी कि हमें 1 किलोग्राम एप्पल का अभी तक कॉस्ट एंड ग्रेप्स का नहीं पता चला है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन क्या होगा? द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलिए या एक्सप्रेशन बोलिए, बात सेम ही है। रिप्रेजेंटेशन इज कितना हो जाएगा हमारा? 2 किलोग्राम एप्पल्स बोला तो 2 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए हमने ₹X रखा, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स 1 है तो सिमिलरली y रुपीज हो जाएगा इज इक्वल टू ₹160 बोला गया है एक दिन के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का था, ठीक है ना। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि 4 किलोग्राम एप्पल बोले तो 4x प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स बोले तो y, दैट मीन्स कि ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 300। अब दोनों को हमने अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन तो ला दिया है, अब इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन टेबल, द सॉल्यूशन टेबल किसके लिए? फर्स्ट सिचुएशन के लिए क्या होगा? हमें दिया हुआ है 2x plus y is equal to 160, that means कि एक वैल्यू को हम लोग एक साइड रख लेते हैं, मतलब कि y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बाकी जितने टर्म्स बच गए उसको हम लोग राइट हैंड साइड की ओर लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हम लोग का 160 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो प्लस 2x है यहाँ पे वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और फटाफट सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं इसका हम लोग। ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट ऑन करते हैं ताकि हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 50, है ना। तब देखते हैं इफ x इज इक्वल टू, मैं रफ वर्क यहाँ पे कर दे रहा हूँ। रफ वर्क कितना बोला मैंने? इफ x इज इक्वल टू 60, तो इसमें पुट ऑन कर देते वैल्यू को इस वाले में। y इज इक्वल टू 160 माइनस ट्वाइस ऑफ x, डेट मीन्स कि 160 माइनस 2 इंटू x कितना था? 50, डेट मीन्स 160 माइनस 2 5 10 यानी कि 100 होता है। तो 160 माइनस 100 कितना होगा?
प्लस 60 होगा, ठीक है। यानी कि 50 का जब मैंने x को रखा तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 60 मिल गया। ठीक वैसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड वैल्यू x का अगर 60 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी, ठीक है ना। वो आप अपने से रफ वर्क कर लीजिएगा उसका। चलिए ये सॉल्यूशन टेबल हो गया हम लोग का क्वेश्चन का फर्स्ट सिचुएशन का, और सेकेंड सिचुएशन का सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन टेबल ये रहा x का और इधर रहेगा y का, ठीक है ना। ऊपर हो गया मेरा x का, नीचे y का। अब इसको हम लोग एक वैल्यू इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले y को हम लोग रेफरेंस साइड की ओर लिखते हैं, और जितने टर्म्स बच गए उसको राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं। राइट हैंड साइड में 300 एज इट इज था, लेकिन जो आपका 4x है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंस इट इज प्लस 4x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको राइट हैंड साइड की ओर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x बाई 2। अब फटाफट हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं जिससे कि हमें y की भी वैल्यू लास्ट में मिल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 70 रखता हूँ, अब इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं रफ वर्क लिख लेता हूँ, रफ वर्क x का वैल्यू कितना रखा मैंने 70, तो y मेरे को कितना मिलता है देखते हैं। y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x है, दैट मीन्स कि 4 इंटू एक्स कितना बोला 70, तो यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 2, डेट मीन्स कि 300 माइनस 4 7 जा 28 होता है 0, डेट मीन्स कि 280 डिवाइडेड बाय 2, एंड 300 माइनस 280 कितना बच गया, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, डेट मीन्स कि 2 1 जा 2 0, तो ये बच गया मेरा 10। तो y की वैल्यू कितना आ गई मेरी, 10 आ गई, ठीक। उसी प्रकार हम फटाफट सेकेंड का निकालेंगे। तो सेकेंड का जब निकालते हैं तो हम मुझे क्या मिलता है, अगर मैं x का वैल्यू सेकेंड में 80 रखता हूँ, सॉरी 7, सिंस मैंने x का वैल्यू 70 पहले रख चुका है तो वापस से वो मैं नहीं रखूँगा, इसलिए मैं अब x का वैल्यू 80 रखता हूँ। जब मैं 80 रखूँगा x का वैल्यू तो y मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 10 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार रफ वर्क में देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ की ओर चलते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ पेपर में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन का जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट का मैंने सॉल्यूशन टेबल बना लिया था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, है ना। तो चलिए फटाफट इसको मार्क करते हैं अपने ग्राफ में। एक्स कितना है 50 और वाई कितना है 60, तो मेरा एक्स का लाइन इधर है, तो सबसे पहले 50, 60, डेट मीन्स कि एक्स 50 यहाँ पे है और वाई का कितना 60 यहाँ पे है, तो 60 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा कौन सा हो गया, x का 50, 60, ठीक है। वैसे करके लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कितना है मेरा 60, 40, तो 60 मेरा ये रहा और 40 मेरा यहाँ पे है, तो 60 यहाँ से जाएगा और वो 40, दैट मीन्स कि 60, 40, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल मिल गया। फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल के दो पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना, जिसको मैं खींचने का कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेट तो नहीं गया फिर भी ठीक है। और चलिए इसके बाद क्या करना है, जब ये मिल गया तो हमें ये जो एक्सप्रेशन निकाला था तो वो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। फिर जो हम लोग का सेकेंड सॉल्यूशन टेबल था, सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें x के वैल्यू पहले 70 आई थी और y की वैल्यू कितना आया था, 10 आया था, तो x कितना बोला 70 बोला गया और 10 क्या आया y का वैल्यू, तो डेट मीन्स की पॉइंट ये रहा 10 यहाँ से 70 यहाँ से, ठीक है। और दूसरा क्या कितना निकला था, x निकला था 80 और y निकला था माइनस 10, तो x कितना निकला था 80 एंड y कितना निकला था माइनस 10, डेट मीन्स कि ये हो गया 80 माइनस 10 और ये हो गया मेरा 70, 10, ठीक है ना। अब इसका भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये रहा स्ट्रेट लाइन। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का जो हम एक्सप्रेशन मिला था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला था, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे।
ऐसे जगह तो नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके दोस्त, थैंक यू।